कहिए दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 2016 में पूछे गए प्रश्न। 2016 में जो एसबीआई मेंस हुए थे क्लर्क के, उसी में पूछे गए प्रश्न थे क्लोज टेस्ट का, तो उसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इट हैज़ बीन अ नवंबर ऑफ अनएंडिंग एगनी फॉर चेन्नई, अ मंथ दैट सो अ सेंचुरी ओल्ड रेनफॉल रिकॉर्ड बीइंग ब्रोकन। यानी कि कहा जा रहा है ये कि यह जो है नवंबर का जो महीना रहा है वो कैसा रहा है, अनएंडिंग एगोनी का। अनएंडिंग एगोनी का समझते हैं मतलब क्या? कभी ना समाप्त होने वाला एगोनी। एगोनी मतलब क्या होता है? मानसिक पीड़ा। ठीक है, किसके लिए? चेन्नई के लिए। ये एक ऐसा मंथ है, अ मंथ दैट सो दैट विटनेस्ड, जिसने देखा अ सेंचुरी ओल्ड रेनफॉल रिकॉर्ड। उसने क्या देखा? एक सेंचुरी ओल्ड यानी कि शताब्दियों पुराना जो एक रेनफॉल रिकॉर्ड जो था, बारिश का जो होने का जो रिकॉर्ड है वो टूटते हुए देखा, बीइंग ब्रोकन। ये जो है पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसने देखा क्या कि सेंचुरी ओल्ड रेनफॉल रिकॉर्ड को टूटते हुए देखा, बीइंग ब्रोकन, ऑफ अ सिटी ऑफ अबाउट 8 मिलियन पीपल। एक ऐसा सिटी जो लगभग 8 मिलियन लोगों का है, 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोगों का है। मोर देन हाफ आर डैश द रेविजेस ऑफ वाटर, मैनी डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर होम्स एंड टेकिंग डैश इन मैक्सिप्ड सेल्टर्स, सम ऑन रूफटॉप्स वेटिंग टू बी रेस्क्यूड एज द स्वेलिंग फ्लड वाटर्स मिनिसिंगली लिक देयर वे अप। यानी कि कहा जा रहा है ये, यहाँ आपके पास ऑप्शंस में ले आया, यहाँ पर आसानी होगी। यानी कि एक ऐसा सिटी जो 8 मिलियन लोगों का है लगभग, अबाउट का मतलब लगभग, मोर देन हाफ यानी कि उनमें से आधा से ज्यादा लोग जो हैं आर डैश द रेविजेस ऑफ वाटर। रेविजेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, विनाश जिसको कह सकते हैं। तो वाटर का जो विनाश जिसके कारण हुआ है उससे जो है मोर देन हाफ यानी कि ज्यादा, आधे से ज्यादा आबादी जो हैं वो इस रेविजेस से जूझ रही है, मतलब अभी भी वो काम चल रहा है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शंस क्या है? क्वेरलिंग, क्वेरलिंग होगा नहीं होगा, क्वेरलिंग मतलब झगड़ा करना होता है। स्क्वैंडरिंग का मतलब क्या होता है? अपने समय को बर्बाद करना। बैटलिंग, बैटलिंग का मतलब होता है स्ट्रगल करना, जूझना। और सफरिंग, सफरिंग का दो मतलब होता है। अगर सफर आप करते हैं यानी कि देखिए, बैटल का मतलब होता है आप कह सकते हैं बैटल अगेंस्ट समथिंग, जैसे बैटल अगेंस्ट कैंसर, बैटल विद द अथॉरिटी टू गेट योर राइट्स बैक। यानी कि किसी भी चीज को हार्ड तरीके से, मतलब कि ट्राई करना, कोशिश करना उसको पाने की। ठीक है, और सफर का जो मतलब होता है वो होता है अगर सफर के साथ फ्रॉम लगता है, यानी कि देखिएगा इसमें जरा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, सफर के साथ अगर फ्रॉम लगता है, ठीक है, तो इसका जो मतलब होता है टू बी बैडली अफेक्टेड, ठीक है, बाय समथिंग। जो भी चीज़ होगा वो अनप्लीजेंट थिंग ही होगा, चाहे वो डिजीज हो, चाहे वो पेन हो, चाहे सैडनेस हो, या कोई चीज़ का अभाव हो। तो सफर फ्रॉम समथिंग होता है, ठीक है ना, जैसे ही सफर्स फ्रॉम कैंसर, या आप कह सकते हैं सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड स्टाफ। ठीक है, तो ये जो है जिससे आप प्रभावित होते हैं बुरी तरीके से। और एक सफर जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है उसका मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, दैट इज जैसे कि इंजरी हो गया, लॉस हो गया, डिफीट हो गया। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है आपके सामने, बैटलिंग और सफरिंग। जैसे सफरिंग का जो अर्थ हो गया, जैसे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करना, जैसे आप कह सकते हैं द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि कंपनी जो है वो, उसे बहुत ही ज़्यादा लॉस लगा, कब?
पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो इस सेंस में जो है सफरिंग का जो मतलब होता है एक्सपीरियंस करना, मतलब कि टू एक्सपीरियंस समथिंग बैड, ठीक है। तो यहां पर जो है दो ऑप्शंस आपके सामने बिल्कुल क्लियर हैं, और ये दोनों ऑप्शंस जो है अगर स्क्वैटिंग का मतलब होता है वहां भी बर्बादी करना, समय को बर्बाद करना, या किसी चीज में अपना जो पैसे हैं या फिर जो समय है वो बर्बाद करना, तो ये तीन ऑप्शंस तो आएंगे ही नहीं, इसको सबसे पहले हटा दीजिए। और ये दो ऑप्शंस जो है बहुत क्लोज है, बैटलिंग और सफरिंग। तो यहाँ पर जो है होगा क्या, बहुत पेचीदा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो 8 मिलियन पीपल में से जो आधे से ज़्यादा हैं वो अभी भी ये जो रेवेजेस हैं वाटर के उससे अभी भी जूझ रहे हैं, यानी कि एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं, ये सफर तो किए ही हैं, जो एक्सपीरियंस किए ही हैं ये, लेकिन इसके बावजूद जो अभी रेवेजेस है जो ये वाटर ने छोड़ रखा है उससे अभी भी जूझ रहे हैं, यानी बैटलिंग कर रहे हैं। आर बैटलिंग द रेवेजेस ऑफ वाटर, मैनी डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत सारे जो हैं वो अपने घर से भी मतलब कि विस्थापित हो गए हैं, ठीक है, डिसलोकेट हो गए हैं, एंड टेकिंग डैश इन मैक्सिफ्ट शेल्टर्स। मैक्सिफ्ट मतलब होता है काम चलाऊ, जो शेल्टर्स होते हैं आश्रय जो स्थल होता है, शेल्टर्स मतलब जहाँ पर आश्रय लेने वाला जो स्थल होता है वहाँ पर। तो बहुत सारे जो हैं जो डिसलोकेट हो गए हैं फ्रॉम देयर होम्स एंड टेकिंग डैश इन मैक्सिफ्ट शेल्टर्स। ऑप्शंस क्या है, रिफ्यूज पीस शेल्टरिंग फूड क्लोथ्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता दें कि इसमें जो 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 डिसलोकेट हो गए हैं फ्रॉम देयर होम्स, और ये जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी क्या कर रहे हैं, ये जो जो काम चलाऊ जो टेम्पररी जो शेल्टर्स हैं उस पर क्या कर रहे हैं, वो आश्रय ले रहे हैं, वहाँ पर फूड नहीं ले रहे हैं, क्लोथ्स नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको शेल्टर हो जाता है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर शेल्टर आ सकता है लेकिन शेल्टरिंग नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बचा किया रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी आश्रय होता है, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, RE-FUSE, वो रिफ्यूज मतलब इनकार करना होता है, लेकिन RE-FUGE का मतलब क्या होता है, आश्रय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग जो है रूफटॉप्स में हैं, यानी कि छत पर, वेटिंग टू बी रेस्क्यूड, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं बचाए जाने की। एज द स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, स्वेल होता है ना, फूलना बढ़ना, जैसे आपके आपको चोट लग गई हड्डी में मान लीजिए, तो वो स्वेल हो जाता है, बढ़ जाता है मतलब, ठीक है, फूल जाता है। तो स्वेलिंग फ्लड वाटर्स, यानी कि फ्लड वाटर्स जो है जो बाढ़ का जो पानी है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। मिनेसिंगली, मिनेसिंगली मतलब डेंजरसली, लिक देयर वे अप, लिक मतलब चाटना होता है तो जानते ही हैं, लिक, तो लिक देयर वे अप का मतलब वो बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, लिक देयर वे अप, द इंटायर सिटी इज मरूनड। मैरून का मतलब आप जानते हैं ना, मैरून एक कलर होता है, लेकिन मैरून का यूज जब भी वर्ब के रूप में होता है तो उसका मतलब होता है टू लीव द प्लेस, या टू लीव समबडी इन अ प्लेस, जहां पर जो है मतलब एक व्यक्ति को कहीं पर छोड़ देना जहां से वो आ नहीं सकता है, मतलब निर्जन हो जाता है, पूरे इंटायर सिटी जो है वो मरून हो गया है, मतलब निर्जन हो गया है, कोई नहीं है वहां पर। ट्रक्स कैन नॉट इंटर विथ फूड स्टॉक्स, ट्रक्स जो है वो जो ट्रक्स मतलब कि फूड स्टॉक्स के साथ इंटर नहीं कर सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। नॉर कैन इट्स सिटीजन्स इजिली फ्ली, न ही उनके जो सिटीजन्स हैं यानी कि चेन्नई के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ से बड़ा आसानी से भाग सकते हैं, फ्ली का मतलब भागना। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नॉर है, नॉर के बाद देखिए यहाँ पर सीधे कैन लगता है, ये जो है मॉडल्स है यानी कि, और ये जो है इसका वर्ब है कैन फ्ली। तो यहाँ पर जब भी नॉर आए, वॉर आए, या सो आए, इस टाइप के जितने भी आते हैं ना उसके बाद सीधे सीधे क्या होता है, हम लोग पहले वर्ब को यूज़ करते हैं उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब ये बदल जाता है, ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है। तो द इंटायर सिटी इज मरूनड, ट्रक्स कैन नॉट इंटर विथ फूड स्टॉक्स, ट्रक्स जो है वो आ नहीं सकता है फूड स्टॉक्स के साथ, न ही इसके सिटीजन्स भाग सकते हैं आसानी से, इजिली, फ्ली का मतलब भाग सकना। ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स आर डैश एंड द फ्यू बसेस दैट समहाउ
मैनेज टू लीव आर डेस्परेटली डैश। अब देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे सामने। हाँ, तो ऑप्शंस हैं ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स आर डैश, हमारे सामने क्या है सराउंडेड। सराउंडेड मतलब क्या होता है, घिर जाना, ये तो होगा नहीं। ट्रेन्स और फ्लाइट्स जो है वो घिर तो नहीं गया है। ग्राउंडेड, ग्राउंड का मतलब तो जानते ही हैं जमीन होता है, लेकिन ग्राउंड का मतलब जब आप खास करके फ्लाइट्स वगैरह की बात होती है, जब एयरक्राफ्ट की बात होती है और एयरक्राफ्ट को ग्राउंड किया जाता है, दैट मीन्स उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है फ्रॉम टेकिंग ऑफ, ठीक है ना। मतलब एयरक्राफ्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग ऑफ, वहाँ से वो उड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उसको अलाउ नहीं होता है कि वो यहाँ से निकले, तो ग्राउंडेड ही होगा। जीरो का मतलब आप समझिए, जीरो जो होता है, जीरो होता है आप जानते ही हैं जीरो क्या होता है, लेकिन जीरो अगर वर्ब में होता है तो उसके साथ इन या ऑन लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है टू फिक्स योर अटेंशन इन समथिंग या ऑन समथिंग, मतलब अपने अटेंशन को, अपने ध्यान को केंद्रित करना किसी चीज में। फ्लडेड का मतलब जानते ही हैं, पूरी तरह से एकदम जैसे कह सकते हैं फ्लड मतलब बार, अगर इसको अगर आप मतलब वर्ब में बनाना चाहेंगे तो द मिनिस्ट्री वॉज फ्लडेड विथ इंफॉर्मेशन या विथ कंप्लेंट्स, तो ये फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना बहुत ज़्यादा संख्या में। इवैक्यूएटेड का मतलब होता है किसी जगह से किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को बचा लेना, ठीक है। इवैक्यूएट करते हैं, वहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इवैक्यूएट हुआ, तो यहाँ पर जो है ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स आर ग्राउंडेड एंड द फ्यू बसेस, और जो कुछ बसेस हैं दैट समहाउ मैनेज टू लीव, जो किसी न किसी तरह मैनेज कर रही है वहाँ से निकलने की, आर डेस्परेटली डैश, क्या हो सकता है शंट। शंट क्या होता है, शंट का जो मतलब होता है वो होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना, ठीक है। लेकिन शंट का आपने बहुत बार सुना होगा, इसका यूज फलाना ऑफिसर को शंट कर दिया गया है, दैट मीन्स होता है कि किसी ऑफिसर को जो है या किसी व्यक्ति को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी ऐसे पोस्ट में जो कि कोई करना नहीं चाहता हो या लेस इम्पॉर्टेंट हो, यानी कि वो कम महत्वपूर्ण पद हो या कम महत्वपूर्ण जहाँ पर काम होता हो वहाँ पर शंट कर दिया जाता है, मतलब उसको ज़्यादा से डिमोशन के रूप में आप मान सकते हैं। तो यहाँ शंट तो होगा नहीं। मूविंग, मूविंग मतलब जानते ही हैं क्या होता है, मतलब कि चलायमान कह सकते हैं, गतिशील कह सकते हैं। स्टॉप्ड यानी कि ऑब्वियस है कि स्टॉप्ड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ बसेस जो वहाँ से जाने के लिए किसी तरह मैनेज कर रहे हैं आर डेस्परेटली, क्या वो बस जो है स्टॉप तो नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन आपका सबसे परफेक्ट है। पैक्ड, वो बुरी तरीके से एकदम डेस्परेटली पैक्ड होते हैं, एकदम एकदम ठसम ठस होता है वो। द सिटी इन बेटर डेज, अ थ्रॉबिंग ऑटोमोबाइल एंड आईटी हब, ये सिटी जो है अपने बेहतर दिनों में एक बड़ा थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग मतलब स्पंदन होता है ना, थ्रॉप करता है, जैसे आपका जो हार्ट बीट है वो थ्रॉप करता है, पल्पिंग करता है, ठीक है। तो थ्रॉबिंग ऑटोमोबाइल एंड आईटी हब, ये जो है एक आईटी हब रहा है, और ये मतलब ऑटोमोबाइल का बड़ा ही एक थ्रॉबिंग मतलब कि क्या कहेंगे आप उसको, एक प्लेस रहा है जहाँ पर कोई कमी नहीं है इस इन चीज़ों की, ठीक है। हैज़ डैश डैमेज वर्थ 15,000 करोड़, अब यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचेंगे, सीधे सफर्ड डालेंगे यहाँ पर, मतलब एक्सपीरियंस। अभी हमने आपसे चर्चा किया था सफर्ड और बैटल का। द सिटी इन बेटर डेज, अ थ्रॉबिंग ऑटोमोबाइल एंड आईटी हब, हैज सफर्ड डैमेज, कि इसको जो डैमेज हुआ है यानी कि इसने जो एक्सपीरियंस किया है डैमेज को, वो कितने का है, वो है 15,000 करोड़ के लगभग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एसोचैम, ये किसके अनुसार है, एसोचैम के अनुमान के अनुसार है, एस्टिमेट्स के अनुसार। अपार्ट फ्रॉम चेन्नई, एटलीस्ट 4 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु, अपार्ट फ्रॉम नेल्लोर एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, हैव डैश फार
in excess of their usual quota of winter rain. तो यहाँ पर छः नंबर में है ना. तो यहाँ कहा क्या जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई, यानी कि चेन्नई के अलावा, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम चार नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, जो पड़ोसी, जो आप कह सकते हैं जिला जो है तमिलनाडु में, और अपार्ट फ्रॉम नेल्लोर एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जो है तिरुपति और नेल्लोर को छोड़कर या उसके अलावा, हैव डैश फार इन एक्सेस ऑफ देयर यूजुअल कोटा ऑफ विंटर रेन. विंटर रेन यानी कि जो मतलब कि विंटर समझते हैं, विंटर और समर होता है, यानी कि जाड़ा का दिन और गर्मी का दिन. तो विंटर रेन जो आता है, मतलब कि जाड़े के दिनों में जो वहाँ बारिश होती है, जो उसका यूजुअल कोटा है, मतलब कि जो प्राय होते रहता है, उसका उससे कहीं ज़्यादा, इन एक्सेस ऑफ देयर यूजुअल कोटा, ठीक है. तो हैव रिसीव्ड, यहाँ पर जो है रिसीव्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रोवाइडेड तो होगा नहीं, क्योंकि वो दिया नहीं है. वो डिस्ट्रिक्ट जो है, जो जो ये जगह बताया जा रहा है, चेन्नई के अलावा जो है तमिलनाडु के चार डिस्ट्रिक्ट में और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और तिरुपति में भी, ठीक है ना, उसके अलावा ये सारे जो हैं, ये डैश फार इन एक्सेस, मतलब ये कहीं ज़्यादा, जो उनके जो यूजुअल कोटा ऑफ विंटर रेन है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये जो है इसको रिसीव, मतलब कि हुआ है, रिसीव मतलब उस एक्सपीरियंस किया है, उसको मिला है. तो यहाँ प्रोवाइडेड होगा नहीं, अचीव्ड भी होगा नहीं, क्योंकि अचीव मतलब कोई कामयाबी आप हासिल करते हैं, गेंड भी नहीं होगा, लेविड भी नहीं होगा, सिंपल सा है, रिसीव्ड होगा एकदम, आँख कान मून के आप, बहुत ही आसान है ये. तो रिसीव्ड फार इन एक्सेस ऑफ देयर यूजुअल कोटा ऑफ विंटर रेन. आगे बढ़ते हैं. एस्टिमेटेड 270 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन तमिलनाडु, यानी कि अनुमानित रूप से जो है 270 लोग जो हैं अपने, मतलब कि उनकी मृत्यु हुई है तमिलनाडु में. एंड द टोल कुड माउंट, और ये जो संख्या, ये जो हताहतों की संख्या है वो बढ़ सकता है. माउंट, माउंट मतलब बढ़ना. दिस हैज बीन अ और एन डैश प्रोडिजियस नॉर्थ ईस्ट मानसून. तो ये जो है एक क्या रहा है, ये एक बड़ा प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब समझते हैं क्या होता है, प्रोडिजियस जो होता है, देखिए प्रोडिजी बहुत सारे, एक आप कह सकते हैं इसको, आप सिंपली एक चीज जानते होंगे, प्रोडिजी का जो होता है एक, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एक प्रोडिगल का, प्रोडिगल का जो होता है उसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट में बहुत खर्चीला. और प्रोडिजी, आपने प्रोडिजी का नाम भी सुना होगा, प्रोडिजी का जो ही होता है वो व्यक्ति या वो बच्चा जो अनयूजुअली इंटेलिजेंट होता है, ठीक है. जैसे अपने समय में सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं कि अपने बहुत ही यंग एज में ही उसने बहुत सारे कारनामे किए हैं, बहुत सारे क्रिकेट में, ठीक है. और एक होता है प्रोडिजियस, ठीक है ना. देखो तीनों का जो है वो मिलता जुलता है. प्रोडिजी का स्पेलिंग है PRODIGY, उसका मतलब होता है यंग पर्सन हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट और स्किलफुल. प्रोडिगल, प्रोडिगल जो को उसका मतलब होता है जैसे PRODIGAL, तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीला. और प्रोडिजियस यानी कि PRODIGIOUS, तो प्रोडिजियस का जो मतलब होता है वो होता है कॉलोजल, यानी कि इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा, ठीक है, एक टाइप का डेंजरस टाइप का कह सकते हैं आप. तो दिस हैज बीन अ डैश प्रोडिजियस नॉर्थ ईस्ट मानसून, एक्सेसिव इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ एन एल नीनो ईयर, लिविंग फोरकास्टर्स द वर्ल्ड ओवर फ्लमक्स्ड. फ्लमक्स्ड का जो मतलब क्या होता है ये पता है आपको, फ्लमक्स्ड का जो मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल आप जब कन्फ्यूज्ड होते हैं, आप सोचने समझने के लायक नहीं होते हैं उस समय, तो आप फ्लमक्स्ड हो जाते हैं, यानी कि कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं. तो ये कह रहा है कि ये जो है एक बड़ा ही एक प्रोडिजियस नॉर्थ ईस्ट मानसून रहा है, ठीक है. तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्यूरियसली, क्यूरियसली मतलब जानते ही हैं, क्यूरियस होना,
यानी कि किसी की चीज़ क्यूरियोसिटी आपकी होती है, उसको जानने की जो इच्छा होती है, ठीक है। सुइटेबली यानी कि सुइटेबल है या नहीं है, अलार्मिंगली सीरियसली नियरली, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये जो है प्रोडिजियस जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, मतलब कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है वो क्या होगा? सीरियसली होगा या फिर अलार्मिंगली होगा? सोच सकते हैं आप, यानी कि अब बहुत ही ज़्यादा यानी कि कॉलोसल है, एक बहुत ही दैत्य टाइप का, एक बहुत ही बड़ा नॉर्थ ईस्ट मानसून है, तो वो ऑब्वियस है अलार्मिंगली होगा, चेताने वाला होगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शंस अलार्मिंगली आ गया, ओके। ये है आपका ऑप्शंस अलार्मिंगली, तो दिस हैज़ बीन, यहाँ पर ए नहीं होगा क्योंकि अलार्मिंगली आ गया तो एन हो जाएगा, तो दिस हैज़ बीन एन अलार्मिंगली प्रोडिजियस नॉर्थ ईस्ट मानसून, एक्सेसिव इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ अन अल नीनो ईयर, यानी कि यह जो था ये कहीं बड़ा था, अगर आप अल नीनो ईयर के स्टैंडर्ड्स को भी देखें तो उससे भी कहीं बड़ा था। एक्सेसिव इवन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ अन अल नीनो ईयर, लिविंग फोरकास्टर्स, फोरकास्टर्स मतलब जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं, जो वेदर फोरकास्टर्स जो होते हैं, द वर्ल्ड ओवर पूरे दुनिया में फ्लमक्स्ड, उसको बिल्कुल कंफ्यूज्ड कर दिया था। द वेदर मैन यानी कि वेदर फोरकास्टर्स जो होते हैं, हैव डैश अ फ्यू मोर डेज ऑफ रेन ऑफ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी, यानी कि वेदर मैन ने क्या किया हैव लग गया, तो हैव लग गया तो ऑब्वियस है, उसके बाद जो है कोई वर्ब लगेगा तो ठीक है, तो वर्ब लगेगा तो यहाँ पर देखिए एज्यूमिंग तो होगा नहीं, वेदरमैन हैव एज्यूमिंग होगा नहीं, इसको एलिमिनेट कीजिए। फोरकास्ट्स हैव फोरकास्ट्स होगा नहीं, उसके पास फोरकास्ट नहीं हो सकता। फोरकास्ट होता, देखिए फोरकास्ट का जो तीन रूप होते हैं जैसे वर्ब का, V1 V2 V3, तो फोरकास्ट का सारा का फोरकास्ट ही रहेगा, फोरकास्टेड नहीं होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो फोरकास्ट्स नहीं होगा यहाँ पर, ओके। तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। देखिए अब वेदरमैन तो वो जानेंगे तो नहीं, क्योंकि वो तो अभी बेस्ट मतलब कि फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगा रहे हैं, सारे आपके पास डाटा रहता है तो उसके आधार पर आप अनुमान लगाते हैं, तो नॉन तो होगा नहीं, राइट। डिक्लेयर्ड ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो डिक्लेयर, जैसे गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर कर दिया कि लॉकडाउन जो है इतना तारीख तक रहेगा, ये तो डिक्लेयर्ड भी नहीं कर सकता है। तो वेदरमैन हैव प्रिडिक्टेड, यहाँ जो है सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास प्रिडिक्टेड यानी कि भविष्यवाणी की है, अ फ्यू मोर डेज ऑफ रेन, और कुछ दिनों का रेन होगा, ऑफ रिड्यूस इंटेंसिटी मतलब कम इंटेंसिटी, कम तीव्रता का, ठीक है। एमिट्स प्रोलॉन्ग डिस्पेयर, प्रोलॉन्ग मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा खींचा हुआ, मतलब कि ये जो लंबा जो डिस्पेयर है, एक तनाव है, एक निराशा जो है, उसमें द पीपल ऑफ द स्टेट, इस स्टेट का जो लोग हैं, हैव डैश ग्रेट फोर्टिट्यूड फोर्टिट्यूड एंजेन्यूटी एंड जेनरोसिटी, यानी कि इस राज्य के जो लोग हैं उसने क्या बताया, मतलब क्या ग्रेट फोर्टिट्यूड साहस, इनजेन्यूटी मतलब कि एक इनोवेटिवनेस कह सकते हैं, इनोवेशन एंड जेनरोसिटी और उदारता, ठीक है। तो इस स्टेट के जो लोग हैं वो क्या किए हैं, तो 9 नंबर में है एज्यूम, हैव एज्यूम तो होगा नहीं, सबसे पहले इसको छांट देंगे। हैव बिफोर ग्रेट फोर्टिट्यूड, ये भी नहीं होगा, ऑब्वियस है हैव के बाद बिफोर होगा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है ग्रेट फोर्टिट्यूड मतलब बहुत ही ज़्यादा साहस। प्रिटेंड, प्रिटेंडेड तो है नहीं, तो प्रिटेंड मतलब क्या होता है, बहाना करना, मान लीजिए आप स्वस्थ हैं लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आप बीमार हैं, तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं। शोन, तो सबसे अच्छा जो है आपका ये शोन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर शोन के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। द पीपल ऑफ द स्टेट हैव शोन, उसने क्या दिखाया, ग्रेट फोर्टिट्यूड बहुत ज़्यादा साहस, इनजेन्यूटी मतलब कि एक इनोवेटिवनेस एंड जेनरसिटी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम अंडर फ्लैग, कम अंडर फ्लैग का मतलब होता है आलोचना का शिकार होना,
तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके उसको आलोचना मिली या आलोचना के शिकार हुए, किसके लिए? फॉर नॉट बीइंग एज डायनेमिक, क्योंकि वो उतना ज़्यादा गतिशील, उतना ज़्यादा डायनेमिक नहीं हो सके और विजिबल, उतना ज़्यादा विजिबल मतलब सब जगह वो दिख भी नहीं पड़े जितना कि आर्म फोर्सेस थे, सोशल एक्शन ग्रुप्स थे और कई सारे न्यूमरस इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हैव बीन रहे हैं। डेस्परेट सिटीजनरी, सिटीजनरी का मतलब होल सिटीजन की बात हो रही है, ठीक है ना? ये जो है सिटीजनरी का मतलब होल सिटीजन, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है? तो अ डेस्परेट सिटीजनरी अंडरस्टैंडेबली, निश्चित रूप से कह सकते हैं, एक्सपेक्ट्स, वो मतलब समझे जाने योग्य, वो उम्मीद करते हैं अ स्पीडी रिटर्न टू सेम्ब्लेंस ऑफ नॉर्मलसी, यानी कि स्पीडी रिटर्न टू नॉर्मलसी भी हो सकता था, ठीक है ना? यानी कि स्पीडी रिटर्न टू नॉर्मलसी का मतलब क्या होता भैया? इसका मतलब होता है कि जो सामान्य जो अवस्था है वहाँ उस तक मतलब कि वहाँ तक वापस जाने का। लेकिन यहाँ पर जो सिटीजनरी है, डेस्परेट सिटीजनरी, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रिटर्न हो कुछ हद तक नॉर्मलसी की तरफ, कुछ हद तक, सम सेम्बलेंस, सेम्बलेंस मतलब अपीयरेंस, एक तरह के कुछ हद तक, ठीक है ना, सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी। येट फिर भी देयर आर लिमिट्स टू हाउ डज द गवर्नमेंट कैन डिलीवर इन सच एडवर्स कंडीशंस। तो फिर भी देयर आर लिमिट्स, एक सीमा है टू हाउ, कि कहाँ तक जो है द डैश गवर्नमेंट कैन डिलीवर, कि ये जो गवर्नमेंट है वो डिलीवर कर सकती है इस टाइप के विपरीत कंडीशंस में, एडवर्स कंडीशंस में। हाउ क्विकली, ये सबसे बेहतरीन है क्योंकि जजिंगली तो होगा नहीं, क्योंकि जजिंगली मतलब क्या होता है कि आप जज के मतलब क्या कहेंगे, जितना एक्यूरेटली आप कह सकते हैं या रैशनली कह सकते हैं, एक्यूरेटली, हाउ एक्यूरेटली द गवर्नमेंट कैन डिलीवर, गवर्नमेंट एक्यूरेट डिलीवर तो नहीं कर सकती है, हार्मलेस तो होगा ही नहीं। सैनली, सैनली का मतलब इनसेन और इनसेन, सेन मतलब कि बुद्धिपूर्ण तरीके से, सही तरीके से, और इनसेन मतलब पागलपन तरीके से, तो यहाँ पर सैनली तो होगा नहीं। तो हाउ क्विकली, कितना जल्दी गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है इन सच एडवर्स कंडीशन। तो ये आपने देखा कि किस तरह हम लोग क्लोज टेस्ट को बनाए। तो जनरली हम लोग क्लोज टेस्ट बनाने के समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो जो पैसेज दिया हुआ उसको समझें, और साथ में कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज मीनिंग होते हैं तो उसका मतलब भी समझें, और मतलब समझने के लिए आप अच्छे डिक्शनरी का यूज़ करें, क्योंकि डिक्शनरी जो है आपको सही वर्ड का जो यूसेज है वो बताता है, ठीक है? तो आज का ये प्रोग्राम आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।